हेलो हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग नमस्ते कैसे हैं आप लोग आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में तो दोस्तों सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और सभी दोस्त स्वस्थ रहें मस्त रहे अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है तो दोस्तों आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत खाना बनाने से हो रही है और सुबह के जो भी काम थे वो हो चुके हैं झाड़ू लगाना और नहाना धोना जो और चाय नाश्ता जो भी काम थे वो हो चुके हैं तो और उसके बाद हमने काट ली थी सब्जी तो आज हम सब्जी में बना रहे हैं लौकी तो लौकी की सब्जी कई तरीके से बनती है दाल वाली भी बनती है और ऐसे छौकर भी बनाते हैं सिंपल वाली तो हमने यहाँ पर जो है सिंपल वाली ही बना रहे हैं बस थोड़ा सा डाला है तेल और लौकी डाल दी है और उसके बाद में डाल दिया है नमक इसके ऊपर से जो है मसाले डाल देंगे और इसको जो है अच्छे से पका लेंगे तो फिर बाद में लहसुन से फ्राई करेंगे जब पक जाएगी दोबारा से तो पहले ऐसे ही इसको उबाल लेंगे सारे मसाले डालकर तो इसी तरीके से हम बनाते हैं लौकी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है दाल वाली हमें नहीं अच्छी लगती है और हम ऐसे कर ही बनाते हैं सिंपल वाली तो हमें ये जो है बहुत ही अच्छी लगती है और मसाले बहुत ही कम डालते हैं बस हरी मिर्च और लहसुन से फ्राई कर लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है तो इधर हमारे आर्थर इधर से उधर घूम रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये कढ़ाई गर्म है यहाँ पर गिर ना जाए तो इसीलिए इनको भी हम साथ में देखते जा रहे थे पकड़ रहे थे तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं खाना बनाते हैं तो आसपास ही टहलते रहते हैं बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और यहाँ पर जो है सब्जी हमारी जो है बन चुकी है निकाल लिया है हमने कढ़ाई से बाहर और उसके बाद डाला है थोड़ा सा तेल और लहसुन भी डाल दिया है अच्छे से लहसुन हमारा पक जाएगा उसके बाद डाल देंगे हरी मिर्च और फिर डालेंगे लौकी की सब्जी और फ्राई कर लेंगे हरा धनिया डालेंगे तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगती है ऐसी लौकी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसीलिए हम बस अपने पसंद की आज बना रहे हैं और सर तक के पापा को जो है दाल वाली अच्छी लगती है जो कि चने की दाल वाली बनती है तो उनको दाल वाली बहुत ज़्यादा पसंद है खा लेते हैं ऐसी वाली भी तो उनको जो है दाल वाली ज़्यादा ही अच्छी लगती है तो यहाँ पर जो है लहसुन पक चुका है उसके बाद डाल दिए हमने सब्जी और अच्छे से इसको चला देंगे और हमारी सभी बहनें बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं भाई बहन और जो, मतलब जो भी हैं हमारे सभी दोस्ती बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है तो हमारी मुमताज बहन है वो बहुत ही अच्छा सा कमेंट करती हैं हमें बहुत ही अच्छा लगता है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है आप हमें इतना प्यार करती हैं और ढेर सारा प्यार देती हैं हमारा ब्लॉग देखती हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी खुशबू बहन है वो भी हमें बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और ढेर सारा जो है प्यार देती हैं सपोर्ट करती हैं हमारा और हमारे ब्लॉग पसंद करती हैं बहुत ज़्यादा ही तो आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बहन और हमारी रितिका बहन है वो भी बहुत ही अच्छा सा कमेंट करती हैं तो उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और सच में हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप एकदम हमें अपने से मतलब लगने लगे हैं आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमारी जो यूट्यूब फैमिली है बस एक हमारा परिवार बन चुकी है और हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप लोग ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिएगा और ढेर सारा प्यार दे देते रहिएगा और हमारी दीप्ति बहन है वो भी बहुत ही अच्छा सा कमेंट करती हैं और उनका भी बहुत बहुत तय दिल से धन्यवाद और वो भी बहुत ही प्यार करती हैं हमें और हमारे ब्लॉग भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं तो आप लोग तो दोस्तों इधर जो है खाना पीना हमारा बन गया है और आज आज हमारा जो है सिलेंडर भी खत्म हो चुका है गैस ख़त्म हो गई थी खाना तो बन गया था फ़िलहाल में पर गैस ख़त्म हो गई थी खाना बन जाने के बाद में तो अब सिलेंडर जो है कल भरवाएंगे आज तो टाइम नहीं है और खाना बन गया था तभी ख़त्म हुई थी तो बस काम तो हमारा हो चुका था बाद में जो है ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं पर भर कर जो है आ जाएगा कल और उसके बाद खाना पीना हो जाने के बाद में लगाने लगे हैं झाड़ू तो हमारी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था तो इसीलिए जो है लंबी झाड़ू से झाड़ू लगा रहे हैं खड़े खड़े तो बस लचने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है मतलब झुक झुकने में तो इसीलिए जो है झाड़ू बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे लगा रहे थे और इधर आर्थर खेलने में लगे हुए हैं और आज हमारे कपड़े भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं ढेर सारे मायके से लौटने के बाद में कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो कपड़े भी धुलने हैं तो पहले लगा देते हैं झाड़ू की कर देते हैं साफ़ सफाई और उसके बाद में जो है कपड़े धुलेंगे क्योंकि बैठने से कुछ नहीं होगा बस थोड़ा बहुत तो ऐसे दर्द बना ही रहता है तो काम तो करना ही पड़ेगा बस दवाई खा ली है और इंजेक्शन वगैरह भी लगवा लिया था तो फिर थोड़ा आराम मिल गया था तो ए, कपड़े वगैरह भी धुल के डाल देंगे क्योंकि ए, अगर हम आज नहीं धुलेंगे तो और भी कुल सारे हो जाएंगे सर्दी का मौसम है फिर एक साथ धुलेंगे तो नुकसान भी करेगा आर्थर को भी और हमें भी और तो इसीलिए जो है थोड़े बहुत आज धुल देंगे थोड़े बहुत जो है कल धुलेंगे कपड़े तो इधर हम लगा रहे थे झाड़ू और सभी लोग बैठे हुए हैं और ये दीदी की बिटिया हैं जो खटिया पर बैठी हैं बड़ी वाली जिनकी शादी हो गई है तो हम हमारी जेठानी जी जे की तीन बेटियां हैं तो सबसे बाली बड़ी वाली बेटी की शादी हो गई है और इसको तो आप जानते हैं जो कि डेली ही ब्लॉग में देखने को मिलती है रियान्सी ये मंजली वाली है और इससे छोटी एक और है जिसका नाम आराध्या है और एक बेटा है दीदी का वो भी काफ़ी बड़ा है तो वो बहुत ही कम मतलब दिखता है ब्लॉग में तो सभी लोग ऐसे ही दोपहर में आंगन में बैठ जाते हैं बातें करते रहते हैं जब फ्री होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है है और सभी लोग मतलब काफ़ी अच्छा लगता है जब कुल सारे लोग घर में होते हैं तो ऐसे ही हमारे घर में सभी लोग रहते हैं काफ़ी लोग हैं आठ से दस लोग तो होंगे ही ए, हमारी फैमिली है हम और हमारे हस्बैंड हमारे दोनों बच्चे और हमारे दो जेठ जी हैं और जेठानी और उनके बच्चे हैं दीदी के चार और पापा हैं तो इतने लोग हैं हमारे घर में तो काफ़ी अच्छा लगता है, रहता है सभी लोग दोपहर में जो है इकट्ठा बैठ जाते हैं जब फ्री होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है तो झाड़ू हमारी लग गई थी उसके बाद में कपड़े धुलने के लिए बैठ गए थे क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था धीरे धीरे धुले थे दर्द की वजह से धुल ही नहीं पा रहे थे मतलब झुकना तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था तो इधर जो है झुके हैं पर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था कमर में तो धीरे धीरे से कपड़े डाल रहे हैं और कपड़े फैला देते हैं और धूप भी काफ़ी कम निकली हुई है तो कपड़े एक दिन में नहीं सूख पाते हैं तो बच्चों के जो भी कपड़े होते हैं छोटे छोटे वो हम खटिया पे इसी तरीके से सूखाते हैं तभी सूख पाते हैं और रस्सी भी सारे सभी भरी हुई हैं जगह नहीं है क्योंकि घर में कुल सारे लोग हैं तो सभी के कपड़े हो जाते हैं तो दो तो तीन रस्सी बंधी हुई है तो सभी भरी हुई है तो इसीलिए फिर बच्चों के कपड़े जो है दो खटिया पे डाल डाले हैं तब जाके हमारे कपड़े फैल पाए हैं और तो दोस्तों आज कुछ ज्यादा नहीं मतलब काम कर पाए थे क्योंकि दर्द की वजह से कुछ काम ही नहीं करने में मन लग रहा था और आज का लोग हमारा बहुत ही छोटा सा है आप लोग जरूर देखिएगा ढेर सारा प्यार दीजिएगा आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप लोग बहुत ही प्यार और सपोर्ट देते हैं तो आप लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना हमारे चैनल से जुड़े तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा बस यहीं तक रहेगा आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें तो कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते और आप लोग अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपना भी रखिएगा तो कल फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाय बाय